Now, monoadelphous condition and polyadelphous condition. In monoadelphous condition, filaments of the stamen are fused into one group. Here, देखिए, जो filament है, all filaments are fused together to form a tube-like structure. लेकिन देखिए, anthers are free. This condition is known as monoadelphous condition. अब monoadelphous condition क्या हो गया? एक group बना लिया, filament fuse करके. अगर filament का fusion हो रहा है and there is formation of more than one group or two group, यानी कि several groups अगर बन जा रहे हैं वहां पर. जैसे देखिए यहां पर देखिए total number of stamen कितने हैं? 5, 5, 10, 5, 15. और ये 15 स्टैमन क्या है? 5-5 का ग्रुप बना लिए हैं. ठीक, 5-5 का ग्रुप बनाए हैं और यहाँ पर देखिए कि 5 स्टैमन का जो फिलामेंट था वो फ्यूज करके वन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दूसरा और तीसरा. तो इस तरह से इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड और यूनाइटेड इनटू सेवरल ग्रुप्स बट एंथर्स आर फ्री. दिस कंडीशन इज नोन एज polyadelphous condition. आप चाहें तो अगर जैसे मान लीजिए दो ग्रुप पाया जा रहा है तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज diadelphous condition. अगर तीन है तो triadelphous. वैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक ग्रुप है